मोदी सरकार के खिलाफ राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल, दिल्ली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ वाशी में प्रदर्शन। मुंबई में आज राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ वाशी में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता दिल्ली में जमा हुए पंजाब और हरियाणा के किसानों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज का विरोध कर रहे थे। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मुंबई एनसीपी के प्रभारी प्रशांत पाटिल ने कहा कि भाजपा सरकार उद्योगपतियों का साथ देने के लिए आज किसानों पर अत्याचार कर रही है। किसान कानून के जरिए मोदी सरकार ने जय जवान जय किसान के नारे को झुठला दिया है। उन्होंने कहा कि किसान ही नहीं रहे तो देशवासियों का पेट कौन भरेगा। सरकार हे भाजपचं सरकार हे शेतकऱ्यांच्या आणि कामगारांच्या विरोधात आहे आणि सातत्याने हे भांडवलदारांच्या बाजूने असणारं सरकार आहे। हे जे श्रीमंत लोक आहेत त्यांना श्रीमंत करण्याचं काम करतात, मग अदानी असेल अंबानी असेल, ही लोक श्रीमंत होत चाललेले आहेत। परंतु आमचा सर्वसामान्य माणूस असेल, कामगार असेल, शेतकरी असेल, त्याचं कंबरडं मोडण्याचं काम या भाजपतील केंद्र सरकारने या ठिकाणी केलेलं आहे। वही आंदोलन में सामील समाजसेवी गुरमीत बक्सी एवं अन्य लोगों ने देशवासियों से किसानों के समर्थन की अपील करते हुए कहा कि एनडीए सरकार सिर्फ मोदी और अमित शाह दो लोग चलाते हैं, इसलिए देश का कृषि मंत्री कौन है किसी को पता ही नहीं। बक्सी ने कहा कि ऐसी तानाशाह सरकार को होश में लाने के लिए आवाज उठाना जरूरी है। जो किसान अन्नदाता है, इस देश को रोटी देता है, हम सबकी पेट पालता है, जो आदमी उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो मेरी यह सभी से विनती है इनके साथ खड़े हों, इनकी मदद करें। और जो दमनकारी देश है, जो दमनकारी जो देश चला रहे हैं, इस देश में कोई कृषि मंत्री नहीं है, इस देश में कोई मंत्री नहीं है, इस देश में सिर्फ दो ही लोग हैं देश चला रहे हैं, एक मोदी जी और एक अमित शाह जी, और कोई नहीं है। कोई सरकार यही चलाते हैं, यही फैसला लेते हैं। किसानों से अत्याचार हो रहा है, गरीब आदमी सड़क पे है, हर आदमी परेशान है। तरना के क्योंकि हम जब यहाँ नवी मुंबई मुंबई में रहते तो हमारे लिए जो अनाज है वही किसान सब किसान की वजह से हम यहाँ रहते, नहीं तो अगर वो अनाज ही नहीं उगाएंगे तो यहाँ हमको कब सब नहीं मिल सकता है। इसलिए ये देश का कना माना जाता है, इसलिए उनको उनके ऊपर ध्यान रखना हमारा हमको जरूरी है। जैसा कि आपने देखा कि कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये सरकार किसानों की आवाज़ को दबाने के लिए उन्हें सड़क से बुराड़ी मैदान में लेके जाना चाहती है। सरकार चाहती है कि किसान एक बार मैदान में शिफ्ट हो जाएं, फिर उनको अपने मनमानी से उनसे बातचीत की जाएगी और उन्हें अपनी शर्तों पर बात मनवाई जाएगी। लेकिन किसान हैं कि उनका कहना है कि नहीं, हम रोड पे जमे रहेंगे और जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी तब तक हम सरकार के खिलाफ धरना देते रहेंगे। इसी के समर्थन में इनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि किसान की बात जब तक नहीं मानी जाती है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी, उनके कदम से कदम मिला के चलेगी और जब तक सरकार ये काले कानून वापस नहीं लेगी किसान और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी और सड़क से लेकर संसद तक सरकार को जवाब दिया जाएगा। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पुरुषोत्तम कनौजिया, टीवी वन इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।